जन संचार से श्री वासिंद मिश्र जो कि कुशीनगर से ताल्लुक रखते हैं, आप समाचार चैनल जनतंत्र टीवी के संस्थापक व प्रधान संपादक हैं। आप पिछले 18 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सक्रिय हैं और लखनऊ में जी न्यूज के ब्यूरो चीफ रहे हैं। सामाजिक सरोकार से समर्पित लोकपत सम्मान 2019 का आयोजन लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में किया गया। सातवें चरण के लोकमत सम्मान के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित मुख्य अतिथि थे। श्री हृदय नारायण दीक्षित ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 15 विभूतियों को लोकमत सम्मान 2019 प्रदान किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जनतंत्र टीवी के एडिटर इन चीफ वासिंद मिश्र को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने वासिंद मिश्र को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान हृदय नारायण दीक्षित ने लोकमत सम्मान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के निष्पक्ष आयोजन समाज को बल प्रदान करते हैं, साथ ही सम्मानित सदस्यों को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना भी दी। भारत के राष्ट्र जीवन में कोई लिखित आचार संहिता नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग का आचार विचार चलाता है। विचार भिन्न हो सकते हैं लेकिन सदाचरण में सबका एक जैसा पैमाना होता है। ऐसे सदाचरण वाले व्यक्ति को समाज अपनी लोक स्वीकृति देता है। गांव में, हम गांव के हैं, थोड़ी ही दूर यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर, गांव में कोई व्यक्ति और कोई काम नहीं करता, प्रातः उठता है, स्नान कर डालता है, काम करने लगता है, तो लोग कहते हैं ये आदमी तो बड़े सवेरे उठता है, उसकी प्रशंसा होने लगती है। कोई छात्र है, इंटर में पढ़ता है, बीए में पढ़ता है, वो घर से निकलता है, सामने वरिष्ठ जन बड़े दिखाई पड़ते हैं, उनको प्रणाम करता है स्कूल जाते हुए रास्ते में, लोग कहते हैं ये बच्चा अच्छा है। तो हमारे मन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बारे में बहुत पहले से ही हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ डाल रखा है। अच्छों को जो उपयोगी हैं समाज के लिए, उनका सम्मान करना, उन्हें प्रेरित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, यह काम पहले से होता आ रहा है। इस मौके पर कार्यक्रम में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित पत्रकार प्रभु चावला और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी नरेंद्र पाल सिंह समेत कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी नरेंद्र पाल सिंह को कानून के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए लोकपत सम्मान से नवाजा गया। दृढ़ विश्वास रहा है कि मनुष्य को सम्मान, कोई भी काम छोटा नहीं, मगर उस काम का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर अपने सब्जेक्ट का ज्ञान है और ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, तो सम्मान है। आदमी को अपने सब्जेक्ट का चाहे जितना ज्ञान हो, अगर वो ईमानदार नहीं तो उसका सम्मान नहीं है। और आदमी चाहे जितना ईमानदार हो, अगर उसे अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है तो भी सम्मान नहीं। इसके अतिरिक्त मैं ये भी मानता रहा हूं कि किसी को अपने से छोटा मानने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी को अपने से छोटा नहीं मानेंगे तो आपको किसी को बड़ा मानने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकमत सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 2013 में हुई थी, जिसकी सफलता के बाद अब सातवें साल में इसका आयोजन किया गया। कई श्रेणियों में ये सम्मान दिया गया, जिसमें श्री अरविंद सिंह को शिक्षा, डॉक्टर सूर्यकांत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, श्री वासिंद मिश्र को पत्रकारिता के क्षेत्र में, चौधरी नरेंद्र पाल सिंह को कानून के क्षेत्र में, श्री जितेंद्र गोपाल को पर्यावरण, श्रीमती कलावती को कृषि, श्री संजीव सिंह को खेल, दिव्यांग श्रेणी में डॉक्टर संतोष कुमार, श्री जलालुद्दीन को हस्तशिल्प की श्रेणी में, श्री मिथिलेश लखनवी को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, श्रीमती प्रेम माया को खेल क्रीड़ा, श्रीमती श्वेता सिंह को महिला सशक्तिकरण, अमित कुमार सिंह व्यवसाय, डॉक्टर इंदु प्रकाश एरिन को साहित्य, श्री तारिक उमर खान को जनक सम्मान दिया गया। पड़िका श्रीवास्तव को नावंकुर सम्मान, शुभम सोती फाउंडेशन को सार्वजनिक जीवन में बेहतरीन काम करने के लिए सम्मानित किया गया। लोकमत सम्मान 2019 कार्यक्रम में जनतंत्र टीवी के एडिटर इन चीफ वासिंद मिश्र को उनके 3 दशक के गंभीर और संवेदनशील तरीके से सामाजिक मुद्दों को उठाने और उनके पत्रकारीय सरोकार को देखते हुए लोकमत सम्मान से नवाजा गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही माध्यमों पर बराबर की पकड़ रखने वाले श्री वासिंद मिश्र जी ने सम्मान लेने के बाद
ज्यूरी और उपस्थित अतिथियों को संबोधित भी किया। इस दौरान श्री वाशिन मिश्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखने वाले नौनिहालों के लिए अवसर और चुनौतियों पर अपने विचार भी रखे। लोकमत सम्मान 2019 में उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्यों से देश और समाज की प्रगति में अहम योगदान दिया है। जनतंत्र टीवी भी समाज के इन विभूतियों को उनके योगदान के लिए सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।